आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समूचा विपक्ष एक साथ आने को तैयार है। कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी एकता के संकेत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ कि पीएम कौन बनेगा, महागठबंधन किसके नेतृत्व में चलेगा। इसी कश्मकश के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। उन्होंने कहा कि जिस किसी भी दल की 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सकता है। 2019 का महामुकाबला पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष की इस दावेदारी को लेकर प्रस्तावित महागठबंधन में फूट पड़ती दिख रही थी, जिसके बाद राहुल ने अपने कदम पीछे खींच लिए। कांग्रेस जानती है कि अगर महागठबंधन में दरार पड़ी तो मोदी सरकार को सत्ता से हटाना मुश्किल होगा, इसलिए वो पीएम पद की दावेदारी पर खामोश है। लंदन में भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने नहीं देखता, मैं खुद को एक वैचारिक लड़ाई लड़ने वाले के तौर पर देखता हूँ। राहुल गांधी के पीएम न बनने के संकेत के बाद विपक्ष एक बार फिर साथ आता नजर आ रहा है, लेकिन इससे पीएम पद की दावेदारी को लेकर सस्पेंस फिर खड़ा हो गया है, जिसे दूर करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नया फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि जिस किसी दल की 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें आएंगी वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सकता है। पार्टी के एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि पहले चुनाव होने दीजिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर कीजिए, फिर हम साथ बैठेंगे और जिस पार्टी की सीट सबसे ज्यादा होगी वो पीएम पद के लिए दावा पेश कर सकता है। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए निर्णय चुनाव के बाद होगा, जैसा 1977-2004 में हुआ था। 1977 में कांग्रेस की हार के बाद गैर कांग्रेसी दलों ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। इसी तरह साल 2004 में यूपीए सरकार का गठन हुआ था। चुनाव के बाद ही पीएम के नाम की घोषणा की गई थी। शरद पवार ने कहा कि इस बार भी पीएम चुनाव के बाद घोषित किया जाएगा। शरद पवार ने पीएम पद की उहापोह की स्थिति को खत्म करने के लिए फॉर्मूला तो निकाल दिया, लेकिन देखना होगा कि क्या तमाम दल इस पर अपनी सहमति जताते हैं या फिर कुर्सी एक बार फिर कलह की वजह बनेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।